अभी इन्होंने बोला है कि जो पढ़ने के लिए जो आते हैं और वो कहते हैं हमें आप क्या दोगे, तो क्या मजबूरी है सर इन लोगों की 2000 रुपए में काम करने की? 2000 रुपए में काम करने की मेन मजबूरी है सर, ये जो है बेरोजगारी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हुई है, और जो 2000 रुपए में एक वो समाज सेवा सोच के करता है, लेकिन उस 2000 रुपए में इतना उत्पीड़न हमारा लोक शिक्षा समिति से, ग्राम प्रधानों से, अध्यापकों से और हर विभाग से हमारा इतना उत्पीड़न करते हैं कि बस हमें जो है शर्म आती है बात अपनी बताने में और कहने में भी। वो क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे हैं कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी, जब ये कहते हैं कि जो है कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए है, कम से कम हमें इतनी मजदूरी तो हमें दी जाए जो हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, इतनी कम से कम हमें इतनी जो है वेतनमान दिया जाए, और जो अन्य सुविधाएं हैं वो हमसे ली जाएं, कोई पूरा समय हम स्कूल समय में जितना एक टीचर समय देता है समान कार्य समान वेतन के लिए उतना ही समय हम स्कूलों में देते हैं, उससे ज़्यादा ही देते हैं तब भी। और एक सबसे बड़ी समस्या और है कि हमारा जो भुगतान है, आज ये सब डिजिटल डिजिटल करने की बात कर रहे हैं, पूरा देश डिजिटल होना चाहिए डिजिटल होना चाहिए, आज भी हमारा पैसा हमारे जो अभ्यर्थी हैं हमारे जो प्रेरक हैं उनका सीधे खाते में नहीं आता, जबकि सीधा हम दोनों कह रहे हैं 2000 रुपए भी हो वो समय से सीधा हमारे खाते में आना चाहिए, वो भी 10 जगह चक्कर लगा के तब आता, 2000 रुपए 30 महीने से ना मिले हो तो क्या स्थिति इस हिंदुस्तान की होगी? क्या ये मेरा विकसित हिंदुस्तान है? क्या ये जिस मेक इन इंडिया का सपना देख रहे हैं क्या ये वही हिंदुस्तान है? आप हमारी बात जरूर पहुँचाइए। मेक इंडिया की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं?